नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ये पैटर्न बनाएंगे। ये कितना अच्छा लग रहा है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में डालिए, जेंट्स के स्वेटर में डालिए, गर्ल्स के किसी भी जैकेट में कार्डिगन में डालिए, बहुत अच्छा बनकर आता है और बनाने में भी आसान है। 4 रो पैटर्न है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। 8 + 8 + 8, जितने भी आपको प्रोजेक्ट में लेने हैं, 8 के मल्टीपल में लेके +2 कर लीजिए। उसके बाद 2 फंदे इसके ले लीजिए, तो ये पैटर्न हमारा सेट हो जाता है। तो आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने 20 स्टिचेस लिए, 2 × 8 = 16, +2 = 18 और 2 फंदे इसके लिए हैं। ये बैक से, रॉन्ग साइड से बनना शुरू होगा। इसके लिए आप बॉर्डर जो भी बनाना चाहें बना लीजिए, ऐसा बनाइए जो भी बनाइए, और जो भी फंदे आपको बढ़ाने हैं तो उसको आप बढ़ा लीजिए। उसके बाद रॉन्ग साइड से इसको हम बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा ऐसा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। अभी 2 फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टी तरफ से सीधे बनाएंगे, तो ये सीधी तरफ से 2 फंदे हमारे उल्टे हैं। अब 6 फंदे उल्टे, ये 6 फंदे जो हम उल्टे बनाएंगे ये सीधी तरफ से सीधे आएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 3, 4, 5 और ये 6, 6 फंदे उल्टे, 2 सीधे, फिर 6 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 2 फंदे सीधे, आखिर का फंदा है इसका, इसको हम उल्टा बना लेंगे। ये सिलाई हमारी बेस की सिलाई थी, फाउंडेशन रो। ये बार बार रिपीट नहीं होगी। पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होगा और ये 4 रो पैटर्न है। ये जो एक सिलाई बनाई है ये इसमें ऐड नहीं होगी और ये बार बार रिपीट भी नहीं करनी, सिर्फ एक बार ही बनी है। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये 6 फंदे सीधे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो 6 फंदे सीधे हैं इन 6 फंदों में से पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 6 फंदे में से 2 फंदे बनाए, थ्रेड आगे करेंगे, 1 और ये 2, 2 फंदे स्लिप कर लेंगे, थ्रेड आगे करके 2 फंदे स्लिप, फिर थ्रेड पीछे करेंगे तो ये थ्रेड यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, फिर 2 फंदे सीधे, 6 फंदे हो गए, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, थ्रेड आगे करेंगे, 1 और 2, ये 2 फंदे स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे। अभी 2 फंदे उल्टे, आखिर का फंदा है इसका, इसको सीधा बना लेंगे। ये 2 फंदे जो हमने स्लिप करे थ्रेड आगे करके, तो थ्रेड यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। उल्टी सिलाई है और दूसरी सिलाई, एक फंदा उतार लिया, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये 2 फंदे जो स्लिप करे थे, स्लिप करने हैं, थ्रेड आगे करके स्लिप करेंगे, ऐसे ये दोनों फंदे स्लिप कर लिए, फिर थ्रेड यहाँ पर लेंगे और इसको 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को पीछे करेंगे और ये जो 2 फंदे स्लिप करे थे इनको फिर से हम यहाँ पर स्लिप कर लेंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। 2 फंदे सीधे और आखिर का फंदा है इसका, उसको उल्टा बनाएंगे। ये 2 सिलाई हो गई है पैटर्न की। अब देखिए तीसरी सिलाई है। पहला फंदा उतार लिया, 2 फंदे उल्टे, ये 6 फंदे हैं, 2 ये हैं, 2 ये और जो स्लिप करे थे 6 फंदे, 3 फंदे पहले ट्विस्ट करेंगे और फिर 3 फंदे बाद में ट्विस्ट करेंगे, तो 1, 2, 3 इन 3 को ट्विस्ट करेंगे। ये जो तीसरा फंदा है इसको आगे लाएंगे और जो 2 फंदे आगे हैं इनको पीछे ले जाएंगे,
ये देखिए ऐसे करके इनको चढ़ा लेंगे और ये जो फंदा है पहले हम इसको बनाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को भी एक एक करके बना लेंगे। तो ये जो पहले वाले तीन फंदे थे वो ट्विस्ट कर दिए, अब ये तीन फंदे ट्विस्ट होंगे, ये फंदे दो जो हैं ये आगे आएंगे और ये जो फंदा है पीछे जाएगा। तो इन्हें पिछली तरफ से बैक से आगे लाएंगे और एक फंदा ये इस सिलाई पर लेकर ऐसे चढ़ा लेंगे। ये बहुत आसानी से काम हो जाता है। ये दो फंदे बना लेंगे पहले सीधे और फिर ये फंदा भी बना लेंगे। ये देखिए ये छह फंदे ये ऐसे ट्विस्ट हो गए, दो फंदे उल्टे। अभी फंदे ट्विस्ट करेंगे एक दो तीन, ये तीसरा फंदा आगे लाएंगे और ये जो आगे वाले दो फंदे हैं इनको पीछे ले जाएंगे। पहले इस फंदे को बनाएंगे और उसके बाद ये दोनों फंदे भी बना लेंगे। सारे फंदे ये सीधे बनेंगे। अभी जो दो फंदे पीछे वाले हैं इनको आगे लाएंगे बैक से और ये जो एक फंदा है अंदर का इसको बाहर ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। पहले ये दो फंदे बनाएंगे, एक बनाया दो बनाया, फिर इसको बना लेंगे। ये पैटर्न की तीसरी सिलाई पूरी हो गई है। आखिर का फंदा है इसका, इसको सीधा बना लेंगे। चौथी सिलाई है, पहला फंदा है इसका उतार लेंगे, दो फंदे सीधे, ये छह फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, दो फंदे सीधे छः फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, दो फंदे सीधे। जब ये थोड़ा सा बढ़ जाता है चार पांच बार ये बना लेते हैं तो ये पैटर्न नज़र आने लगता है। अभी एक ही बार हमने बनाया है तो इस तरह से ये बन रहा है। ये मिनी नोटेड, यहाँ नोट आ गई, मिनी नोटेड केबल की तरह से ये लगता है, ये बहुत सुंदर बनकर आता है। तो इसको एक बार ये और बना लें तो ये नज़र आ जाएगा। पहली सिलाई है, एक फंदा उतारा दो उल्टे छः सीधे, ये छः सीधे हैं, इनमें से पहले दो सीधे बनाएंगे, एक दो दो सीधे बना लिए, थर्ड आगे करेंगे और ये एक और ये दो को स्लिप कर लेंगे, थर्ड पीछे करेंगे फिर ये दो सीधे। तो जो छः सीधे फंदे थे उसमें से दो बनाए, पहले बनाए और दो आखिरी बनाए, बीच वाले स्लिप कर लिए। ये पैटर्न की दोबारा से पहली सिलाई है, दो उल्टे दो सीधे बनाएंगे, थ्रेड आगे करेंगे एक और ये दो स्लिप कर लेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे दो सीधे बनाएंगे, दो उल्टे, आखिर का फंदा है इसका, इसको सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई है, पहला फंदा उतारेंगे दो सीधे बनाएंगे, दो उल्टे बनाएंगे। ये जो दो फंदे हमने सीधी तरफ से स्लिप करते हैं यहाँ भी स्लिप करने हैं, थ्रेड आगे लाएंगे और फिर इनको स्लिप करेंगे, फिर थ्रेड पीछे लाएंगे अपनी तरफ और ये दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, थ्रेड को उधर ले जाएंगे। ये दो फंदे जो स्लिप करे थे एक दो, इनको फिर से स्लिप करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ लाएंगे और फिर से ये दो उल्टे, दो सीधे और एक ये उल्टा। दोबारा पैटर्न की जो हमने दोबारा पैटर्न शुरू करा है उसमें से हमारी दो रो हो गई हैं और ये थर्ड रो है। पहला फंदा उतार लेंगे, दो फंदे उल्टे, ये छह फंदे हैं, दो चार छः, इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे। पहले इन तीन को ट्विस्ट करेंगे फिर बाद में इन तीन को ट्विस्ट करेंगे। तो ये एक दो तीन, पहले ये तीसरा फंदा बना लेंगे। आप उतार के भी कर सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। पहला फंदा बना लिया, फिर उसके बाद ये दोनों फंदे बना लेंगे। ये तीन फंदे हमारे बन गए। अभी जो फंदा है
इसको पीछे ले जाना है, दो फंदे आगे आएंगे, इनको दोनों को पीछे से आगे लाएंगे और इस फंदे को बाद में बनाएंगे, ये दो फंदे पहले बनाएंगे। एक एक करके इन दोनों को बना लेंगे, एक बनाया दो बनाया, फिर ये जो ले गए थे हम पीछे इसको बना लेंगे। दो फंदे उल्टे, इन फंदों को ट्विस्ट करना है, ये फंदा आगे आएगा, इसको आगे ले आएंगे और इन दो फंदों को पीछे ले जाएंगे। पहले ये फंदा बना लेंगे, फिर ये दो फंदे बना लेंगे। अभी जो फंदा है इसे पीछे ले जाएंगे और ये जो दो फंदे हैं ये आगे लाने हैं, तो इनको पीछे से ऐसे पकड़ेंगे, ले आएंगे और ये फंदा वापस इस सलाई पर लेंगे। तीनों फंदों को एक एक करके बना लेंगे, पहले ये फंदे बनेंगे और उसके बाद ये फंदा बन जाएगा। दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, दोबारा पैटर्न की तीन सिलाई हो गई है, ये चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई जैसा जो फंदा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाएंगे, दो सीधे छह उल्टे। फिर दो सीधे छह उल्टे, दो सीधे और आखिर का फंदा है इसका, इसको उल्टा बना लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये पैटर्न बनकर आया है। ये चार चार सिलाई बनाते जाएंगे और ऐसे ही सुंदर सा पैटर्न बन के आएगा। ये मिनी केबल है, नोटेड केबल है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल लीजिए, बहुत सुंदर बनकर आएगा। और ऐसे ही सुंदर सुंदर इजी इजी पैटर्न देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।